हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो कॉमर्स एडु 19। मेरा नाम है विक्रम और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक अकाउंट है, ठीक है, जो कि एक अकाउंट है जो शो करता है हमें, क्या शो करता है, डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। एक ऐसा अकाउंट जो हमें ये शो करता है कि जो प्रॉफिट्स है वो कैसे बांटा जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक अकाउंट है जो कि हमें शो करता है डिस्ट्रीब्यूशन। किसका डिस्ट्रीब्यूशन? प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। किसके बीच डिस्ट्रीब्यूशन? अमंग द पार्टनर्स। कौन से पार्टनर? पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर्स। पार्टनरशिप में पार्टनर्स को कौन सा प्रॉफिट बांटा जाएगा, किस तरीके से बांटा जाएगा, क्या मेथड होगा, अगर वो हम किसी अकाउंट के थ्रू समझें, ठीक है, तो वो क्या है, कौन सा अकाउंट क्या आएगा, वो कहलाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, डिविजिबल प्रॉफिट का हमने टॉपिक पढ़ा था। अगर आपको डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है ये नहीं पता तो मैं लिंक क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको देख लो, ठीक है। अगर आपको डिविजिबल प्रॉफिट नहीं पता तो ये पढ़ना बेकार है, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। देखो, ये वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, ठीक है, बट क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। जो आपको, देखो, आपको ज़्यादा नहीं, कम से कम चार से पाँच मिनट ये वीडियो देखना, ठीक है। वीडियो लंबी जरूर होगी मगर क्या होगा, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। 4 से 5 मिनट वीडियो आप इस वाली वीडियो को देखना, ठीक है, आपको क्या होगा, जरूर फील होगा कि हाँ, बंदे ने कुछ एडवांस बताया है, कुछ बढ़िया बताया है, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरी देखना। देखो, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, बांटा जाता है। पार्टनर्स के बीच में इन द पार्टनरशिप फॉर्म नेट प्रॉफिट को नहीं बांटा जाता। अगर ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो आपका क्या है, अकाउंट स्ट्रांग नहीं है। अकाउंट स्ट्रांग कैसे होता है? जब पूरा कॉन्सेप्ट आप समझते हो, और कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट की वीडियो में आप कुछ नहीं समझते, ठीक है। आप क्वेश्चंस कर लोगे बट वो क्या है, बेकार है। लाइफ टाइम समझने के लिए क्या होगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है, पार्टनर्स के बीच में नेट प्रॉफिट को नहीं बांटा जाता, ठीक है। ये सारी बातें मैंने बता दी है, मैंने वीडियो सेपरेट बनाई है, कम से कम 3-4 वीडियो बनाई है डिविजिबल प्रॉफिट पे। डिविजिबल प्रॉफिट को निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड होते थे। कौन से दो मेथड हैं? एक तो बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट और बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टेटमेंट बनाकर कैसे निकालते हैं उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप उसको देख लो, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर हम डिविजिबल प्रॉफिट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, और पार्टनर्स के बीच में क्या, कैसे हम प्रॉफिट्स को बांटेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत क्या है, और ये क्या अकाउंट है। हमने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? अगर आपसे कोई पूछे क्यों नहीं बनाते हम वहाँ पे, तो क्या कहोगे? तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, 11th क्लास में आपने कौन सी अकाउंटिंग पढ़ी थी? आपने अकाउंटिंग पढ़ी थी सोल प्रोप्राइटरशिप की। अगर आपको ये भी नहीं पता कि आपने कौन सी अकाउंटिंग पढ़ी है तो आप बस क्या करके आए हो, टाइम पास करके आए हो, ठीक है। तो 11th क्लास में आपने क्या पढ़ के आए हो, कौन सी अकाउंटिंग? सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस की अकाउंटिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है? एक ऐसा बिजनेस जिसमें एक सिंगल ऑनर होता है, वही बिजनेस को मैनेज करता है अकेला, और जब प्रॉफिट्स होगा तो वो क्या होगा, अकेला उसका हिस्सेदार होगा। ऐसे बिजनेस को क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग करो, कब किया है ना हमने, 11th क्लास में। याद करो, 11th क्लास में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में फाइनल अकाउंट पढ़ा था, ठीक है। देखो, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइनल अकाउंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। फाइनल अकाउंट दोनों को बनाना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी हो या क्या ना, पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप कोई भी हो, फाइनल अकाउंट जरूर बनाते हैं। तो पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो, ठीक है, वाई वाई पूछ सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। फाइनल अकाउंट प्रोप्राइटरशिप और फाइनल अकाउंट किसका, पार्टनरशिप, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस है देखो, कोई डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है। देखो क्या है, मैंने दोनों साइड, एक साइड क्या लिखा है, सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं और पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे पहले आप 11th क्लास याद करो, सबसे पहले आप क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इस तरीके से बनाते थे, डेबिट साइड में सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते थे, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस में से लेस करते थे, रिटर्न्स वगैरह, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद क्या, क्रेडिट साइड में क्या लिखते थे, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। और ट्रेडिंग अकाउंट से जो निकल के आता था, क्या निकल के आता था, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, मोटा मोटा प्रॉफिट,
ठीक है, जिसमें से मतलब कोई प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें क्या है माइनस होना अभी बाकी है, ठीक है। तो उसे कहते थे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ चले जाता था, अगला अकाउंट बनाते थे जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ चले जाता था, क्रेडिट साइड में। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड में जाएगा, अगर ग्रॉस लॉस है तो डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। तो जीपी कहाँ चले जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड। और डेबिट साइड में क्या आता था, सैलरी, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी, मैनेजर की कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, डेप्रिसिएशन, ठीक है, डिस्काउंट वगैरह, ठीक है, कैरिज आउटवर्ड, सारी चीज़ें क्या आती है, डेबिट साइड में आता था। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो निकल के आता था वो क्या था, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल के आता था, ग्रॉस प्रॉफिट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकल के आता था, नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आता था उसको हम क्या करते थे, याद करो, उसको हम कुछ नहीं करते थे, एक अगला हम स्टेटमेंट बनाते थे। क्या स्टेटमेंट बनाते थे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होती, बैलेंस शीट क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है। अगर आपको अकाउंट और स्टेटमेंट में डिफरेंस नहीं पता, ठीक है, तो बता देता हूँ। अकाउंट क्या होता है, अकाउंट पूरे साल का बताता है, फॉर द ईयर एंडेड दिखाता है। देखो हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, मतलब पूरे साल का हमें क्या देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। बट बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं, एज ऑन या एज एट, मतलब किसी एक दिन का हमें क्या बताता है, ये फिगर बताता है। तो किसी एक दिन का बताता है तो हम क्या कहते हैं, इसे स्टेटमेंट, ये अकाउंट नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। तो बैलेंस शीट में हम क्या करते थे, नेट प्रॉफिट को हम ले जाते थे और कैपिटल में क्या करते थे, प्लस कर देते थे, लॉस है तो माइनस कर देते थे। ऐसा क्यों करते थे, वो प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर था, एक ही ओनर था तो बैलेंस शीट में क्या होता था, एक ही कैपिटल दिखाती थी, सिर्फ एक कैपिटल, जितना जितने मालिक है उतनी कैपिटल होती है। तो प्रोप्राइटरशिप में एक ही मालिक है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्या दिखाता है हमें, एक ही कैपिटल दिखाती है, ठीक है। तो जितना भी प्रॉफिट हुआ, जितना भी लॉस हुआ, किसका है, वो उसी पर्सन का है। तो हम क्या करते हैं, उसी को डायरेक्ट दे देते हैं, ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें कुछ होती नहीं थी। बट क्या है, अब पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप है, फाइनल अकाउंट्स किस तरीके से बनाते हैं, देखो पार्टनरशिप है, फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट सेम वैसे ही बनता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बताया ना मैंने अभी। तो ट्रेडिंग अकाउंट भी वैसे ही बनता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी वैसे ही बनता है, दोनों चीज़ें वैसी बनती है। इसलिए आपको 12th क्लास में पार्टनरशिप में जो आप देखोगे बुक, उसमें क्या है, आपको डायरेक्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से सिखाया गया है, वहाँ ना ही ट्रेडिंग सिखाया गया, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस सिखाया गया। क्यों नहीं सिखाया गया, क्योंकि आप 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, इसलिए आपको वो दोबारा से नहीं बताया गया, ठीक है। अच्छा देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हो आप 11th क्लास में, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट आप डायरेक्ट कैपिटल में प्लस कर देते थे, या तो लॉस होता था माइनस कर देते थे। अब 12th क्लास में आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ट्रेडिंग बनाना है, ठीक है। वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा ट्रेडिंग का, बट बता देता हूँ नॉलेज के लिए कि ट्रेडिंग बनाना होता है, ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक नया अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक नया अकाउंट बनता है पार्टनरशिप में, यानी दो अकाउंट तो बनते ही है, साथ में एक तीसरा अकाउंट बनता है उसके बाद में। कब बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्यों बनता है, ध्यान दो, नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट को देखो, पार्टनर्स कितने होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स दो है। तो यहाँ क्या है, प्रॉब्लम है कि प्रॉफिट्स को कैसे बांटेंगे, यानी नेट प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। पहले क्या था, नेट प्रॉफिट डायरेक्ट कैपिटल में ऐड कर देते थे, बट अब क्या है, पार्टनर्स 3 है, पार्टनर 4 है, पार्टनर 15 है, पार्टनर्स 20 है, तो हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, प्रॉब्लम ये है। देखो टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये वाला टॉपिक, ये अकाउंट हम सीख क्यों रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट को बांटना है। यहाँ एक पर्सन नहीं है कि 1,00,000 का प्रॉफिट कमाया दे दिया, 1,00,000 का लॉस है उसको दे दिया, या क्या है, बहुत सारे पार्टनर्स हैं, तो प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, प्रॉब्लम्स हैं। तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कब बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। देखो जैसे आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो ट्रेडिंग अकाउंट से, और ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर आता है नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। इसी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को हम एक नए अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। देखो इस नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट आया, इसको हम पार्टनरशिप में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। कहां ट्रांसफर करते हैं, एक नए अकाउंट में जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो कहां जा रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है कहां पे,
एक नए अकाउंट में जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और कहाँ जा रहा है ये, क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, ठीक है। अच्छा, इसके जर्नल एंट्री क्या होगी, अगर मैं जर्नल एंट्री साथ के साथ अगर बता दूँ तो जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो प्रॉफिट का बैलेंस है, प्रॉफिट का बैलेंस है, प्रॉफिट का बैलेंस मतलब डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट होता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इस अकाउंट से निकल के कहाँ जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, नेट प्रॉफिट है तो क्रेडिट बैलेंस है। ये जा रहा है कहाँ जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। तो ये वाला अकाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, बैलेंस क्रेडिट है, कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो जर्नल एंट्री अगर बता दूं यहीं पे मैं, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, कहाँ जा रहा है ये, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account। narration अगर बताओ तो being NP transfer to profit and loss appropriation, ये क्या हो गया, फिर journal entry हो गई, ठीक है। profit को transfer किया जाता है partnership form में, कहाँ पे transfer किया जाता है, profit and loss appropriation account में। देखो इससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, क्या कॉन्सेप्ट बताया था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्या होते हैं और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं फिर से लिंक क्या करूँगा, आई बटन में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लेना, ठीक है। तो देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्या होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स मतलब जो देना ही देना होता है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। और अप्रोप्रिएशन क्या होते हैं, प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है कहाँ डेबिट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जितने भी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है वो कहाँ डेबिट होते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, ठीक है। तो देखो अब क्या हो रहा है, जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है कहाँ डेबिट हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अप्रोप्रिएशन कहाँ डेबिट होंगे, इसके अगले वाले अकाउंट में। तो ये जो नेट प्रॉफिट आया इसका नया नाम करेंगे, देखो अब ध्यान देना, मैं शुरू से बता रहा हूँ बेसिक से, ठीक है। तो इस नेट प्रॉफिट को हम क्या नाम देंगे, इस नेट प्रॉफिट को हम क्या नाम दें, तो इस नेट प्रॉफिट को ध्यान दो, इस नेट प्रॉफिट को, ये नेट प्रॉफिट निकल के आया कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसको हम देंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जेस बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। अगर ये आपको समझ नहीं आया तो बेकार है, फिर इसको समझ लेना। ये जो नेट प्रॉफिट निकल के आया इसका नया नाम क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जेस बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि तो जो नेट प्रॉफिट है ये सारे के सारे चार्जेस डेबिट कर देने के बाद आया। ये जो डेबिट साइड में जितनी भी चीजें आप देख रहे हो ये क्या है, सारे के सारे चार्जेस है, इन सब चार्जेस को डेबिट करने के बाद ये नेट प्रॉफिट आया। तो इस नेट प्रॉफिट का नाम क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जेस बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। बिफोर एप्रोप्रिएशन क्यों, क्योंकि एप्रोप्रिएशन कहाँ डेबिट होता है, एप्रोप्रिएशन अगले वाले अकाउंट में। तो इस नेट प्रॉफिट को हम कहाँ ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, कहाँ पे, किस साइड, क्रेडिट साइड में। और इस नेट प्रॉफिट का नाम क्या होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जेस बट बिफोर एप्रोप्रिएशन, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या होगा, ये हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो क्या होगा, पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा, बैलेंस शीट। ये किसकी बैलेंस शीट है, ये पार्टनरशिप फॉर्म की बैलेंस शीट है, सेम वैसे ही बनती है जैसे सोल प्रोप्रेटरशिप की बनती थी। बस डिफरेंस क्या है, वहाँ पे एक कैपिटल दिखती थी, यहाँ पे क्या है, जितने पार्टनर्स है उतनी कैपिटल दिखेगी। देखो जितने पार्टनर्स होते उतनी कैपिटल आपको बैलेंस शीट में दिखेगी। तो मैं देखो जैसे कि दो पार्टनर ए और बी, तो ए और बी की सेपरेट सेपरेट कैपिटल आपको दिखेगी। यहाँ से प्रॉफिट निकलेगा, यहाँ से कुछ प्रॉफिट निकलेगा, जिस प्रॉफिट को क्या कहते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनता है, डिविजिबल प्रॉफिट को निकालने के लिए। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। तो यहाँ से एक प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है, सबका शेयर, ए का शेयर, बी का शेयर, वो शेयर क्या होगा, कैपिटल में ऐड होगा। तो यहाँ से प्रॉफिट निकलेगा और पार्टनरशिप की जो बैलेंस शीट है, जो कैपिटल है पार्टनर्स के, उसमें ऐड होगा,
ठीक है। यहाँ डायरेक्ट हम नेट प्रॉफिट को नहीं बांटते, नेट प्रॉफिट को हम किसी एक अकाउंट में ले जाते हैं जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ध्यान दो, ये जो नेट प्रॉफिट है ये कौन सा होना चाहिए, आफ्टर चार्जेस बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन में कभी कभार क्या होगा, ये आपको प्रॉफिट दिया होगा, ध्यान देना हमें यही वाला प्रॉफिट चाहिए, आफ्टर चार्जेस बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। अगर हमको घुमा फिरा के दिया तो हमको क्या करने पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में साफ बता रखा है कि आफ्टर चार्जेस बट बिफोर एप्रोप्रिएशन है ये वाला प्रॉफिट दे रखा है, 4 लाख 2 लाख 3 लाख, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस प्रॉफिट को क्या करना, आप डायरेक्ट देखो, आपका जो 12th क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसमें क्या है, डायरेक्ट क्या है, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, आप ना ही ट्रेडिंग बनाओगे ना ही प्रॉफिट एंड लॉस, डायरेक्ट क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से स्टार्टिंग होती है, क्रेडिट साइड में क्या आता है, बाय पीएनएल अकाउंट। आप पीएनएल अकाउंट लिख सकते हो या तो बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, ठीक है। ये क्यों आया, इसके जनरल एंट्री क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, इसलिए एंट्री कहाँ गई, क्रेडिट साइड में। किसकी वजह से हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वजह से, अपने अकाउंट में अपना ही नाम नहीं आता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बताना है, देखो अगर आपको ये वाला प्रॉफिट दिया हुआ है तो बहुत बढ़िया, अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो आपको क्या करने पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे मेहनत करनी पड़ेगी वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर आपको ये समझ आ गया तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब अभी हम क्या देखेंगे कि अगर आपको ये नेट प्रॉफिट नहीं दिया तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप कैसे उसको फाइंड आउट करोगे और आगे क्या निकालोगे, डिविजिबल प्रॉफिट निकालोगे। देखो क्या तरीका है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो स्टार्टिंग होगी कहाँ से होगी, क्रेडिट साइड से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, नेट प्रॉफिट, कौन सा नेट प्रॉफिट, आफ्टर चार्जेस बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। अगर ये वाला प्रॉफिट दे रखा है आपको तो बहुत बढ़िया। अच्छा, ये वाला प्रॉफिट होता क्या है, ये वाला प्रॉफिट ज़्यादा अगर समझ नहीं आ रहा तो ये वो वाला प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डायरेक्ट निकल के आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो डायरेक्ट प्रॉफिट निकल के आता है, नेट प्रॉफिट, हम उसे ही क्या बोलते हैं, आफ्टर चार्जेस बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी आया वो चार्जेस काट देने के बाद आया और एप्रोप्रिएशन अभी तक उसमें से क्या है, लेस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो अगले वाले अकाउंट में लेस होगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होगी, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जेस बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। अगर ये वाला प्रॉफिट आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में, मोस्टली टाइम दिया होगा बट कभी कभार क्वेश्चन में मजे लेने के लिए क्या होगा, आपको दिया ही नहीं होगा, ठीक है। अगर आफ्टर चार्जेस नहीं है, हमें कौन सा चाहिए, हमें आफ्टर चार्जेस चाहिए। अगर आफ्टर चार्जेस है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आफ्टर नहीं होगा तो क्या होगा, बिफोर होगा। मतलब ऐसा नेट प्रॉफिट जिसमें से चार्जेस माइनस नहीं है। खुद ही सोचो कि नेट प्रॉफिट दिया है, आफ्टर चार्जेस चाहिए। अगर आफ्टर चार्जेस नहीं है तो इसका मतलब क्या है, बिफोर चार्जेस होगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, बिफोर एप्रोप्रिएशन। अगर बिफोर एप्रोप्रिएशन दिया है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं दिया तो क्या दिया होगा, आफ्टर एप्रोप्रिएशन। तो हमें उस प्रॉफिट को बदलने के लिए हमें क्या चाहिए, ये वाला प्रॉफिट चाहिए। तो ये बदलने के लिए क्या मेथड है, क्या किस तरीके से हम निकालेंगे, तो हम वर्किंग नोट हमें करना पड़ेगा। दो तरीके हैं, या तो आप इसी अकाउंट में दिखा दो या तो आप वर्किंग नोट के थ्रू दिखाओगे। वर्किंग नोट में कैसे करोगे, आप वर्किंग नोट में हेडिंग डालोगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जेस बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। ये वाला काम हम तभी करेंगे जब हमें जो चाहिए प्रॉफिट वो नहीं दिया होगा। अगर वो दिया होगा तो ये वाला काम नहीं करना आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लेना है। नेट प्रॉफिट में क्या माइनस करना है, सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्यों माइनस करना है, क्योंकि हमें चाहिए आफ्टर। अगर बिफोर दिया होगा तो हमें ये काला काम करना पड़ेगा, पहले उसमें से क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस करने पड़ेंगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होते हैं, जो देने ही देने होते हैं, मैंने वीडियो बना रखी है इस पर सेपरेट, आप देख लेना, ठीक है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का एग्जांपल जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी टू इम्प्लॉयज, मैनेजर की कमीशन, पार्टनर को रेंट देना है, ये सारे के सारे क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना है, क्योंकि हमें कहाँ जाना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जेस, चार्जेस पहले काट दो। हमें बिफोर एप्रोप्रिएशन चाहिए, मानो एप्रोप्रिएशन माइनस हो रखी है तो हम क्या करेंगे, अप्रोप्रिएशन में दोबारा से ऐड कर देंगे, सो डैट हम क्या करें, जो हमें प्रॉफिट चाहिए वो उस पर हम आ सके। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होते हैं, इसके लिए भी मैंने क्या है, सेपरेट वीडियो बना रखी है। तो उसमें क्या होता, अप्रोप्रिएशन क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी पार्टनर की, कमीशन पार्टनर की, जो प्रॉफिट होगा तो ही देंगे,
इसको आप ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जेस बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। ये वाला प्रॉफिट आप कहाँ उठा के ले आओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप ये वाला मेथड अडॉप्ट ना करो, दूसरा मेथड क्या है, आप इसी अकाउंट में क्या करोगे, जो भी आपको नेट प्रॉफिट दिया होगा, कुछ ना कुछ तो नेट प्रॉफिट दिया होगा, उसको आप यहाँ लिखोगे और इसमें से यहीं पे आप क्या करोगे, माइनस करके दिखा दोगे, चार्जेस माइनस कर दिया, यहीं पे आपने क्या किया, एप्रोप्रिएशन प्लस कर दिया और यहीं पे आपने दिखा दिया, ठीक है। तो ये वाला काम क्या है, थोड़ा आसान है, ये आसान क्या, दोनों आसानी है, बट क्या है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। इसी चीज़ को आप क्या करोगे, अकाउंट के थ्रू भी दिखा सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर, ठीक है। कोई बात नहीं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे। तो स्टार्टिंग हो गई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, क्या हो गई स्टार्टिंग हो गई। स्टार्टिंग कैसे हुआ, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जेस बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। इसके बाद क्या करते हैं, इस वाले अकाउंट में करते क्या है, देखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते ही क्यों है, इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट्स को क्या करना है, बांटना है, प्रॉफिट्स को बांटना है, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट्स को बांटना है। तो पार्टनर्स के बीच में कौन सा प्रॉफिट बटेगा, ये प्रॉफिट अगर जानना है तो ये वाला अकाउंट बनाते हैं हम, ठीक है। इसके बाद क्या स्टेप होता है, देखो उसके बाद क्या होता है, हम इनकम प्लस करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट आ गया, अब क्या होगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए का बी का जो भी होगा, जितने पार्टनर्स हैं उनके सबके क्या होंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, बिजनेस के लिए इनकम होती है, पार्टनर्स जो बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाल लेते हैं या एसेट्स निकालते हैं उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, आपने चैप्टर नंबर 3rd में 11th में पढ़ा है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है, बोथ आर सेपरेट, दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो क्या करेगा बिजनेस, क्या करेगा, उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो जितने लोगों ने क्या करा, पार्टनर्स ने ड्राइंग्स करी है, तो बिजनेस क्या करेगा, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो ए का बी का हम मान लेते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। क्रेडिट साइड में दो ही चीज़ आती है, क्या, एक तो नेट प्रॉफिट, दूसरा क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। अब ये क्या है, एक इनकम हो जाती है, इस साइड जो भी है एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, ये बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, ठीक है। बिजनेस के पास में पैसा है, अब बिजनेस को पैसा क्या है, बांटना है, पार्टनर्स के बीच में बांटना है, प्रॉफिट्स को बांटना है, ठीक है। तो मान लेते हैं क्या, जो हमारा नेट प्रॉफिट आया वो 80,000 है, ठीक है, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है टोटल वो 10,000 है, 20,000 मान लेते हैं, चलो, ठीक है। तो टोटल, अगर टोटल देखो, नेट प्रॉफिट था बांटने के लिए था, ये भी बांटना था, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होती है। बट एक बात बताओ, बिजनेस तो कुछ खाता पीता है नहीं, बिजनेस जो भी कमाता है किसको दे देता है, अपने पार्टनर्स को दे देता है। तो देखो हाथ में उसके कितने रुपये हैं, 80,000 प्लस 20,000, तो टोटल उसके हाथ में बांटने के लिए कितने रुपये हैं, 1,00,000 रुपये है, 1,00,000 के बांटने के लिए, किसको बांटेगा, ये पार्टनर्स के बीच में बांटेगा। बट पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर्स बहुत सारे, तो किसको कैसे मिलेगा, किस तरीके से बांटा जाएगा, उस वाले उसको हम पढ़ने के लिए ये अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस 1,00,000 में से पहले हम पार्टनर्स को जो मिलने वाली चीज़ें हैं यानी एप्रोप्रिएशंस, वो पहले बांट देते हैं। इस 1,00,000 में से हम क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, पहले एप्रोप्रिएशन दे देंगे। एप्रोप्रिएशन क्या होते हैं, प्रॉफिट्स होगा तो ही देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, ठीक है। जैसे क्या क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, अगर एप्रोप्रिएशन होता है, प्रॉफिट्स होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, ठीक है। तो ये हमने मान लिया, हमने दिया इसमें से, इस प्रॉफिट्स में से एप्रोप्रिएशन, यानी प्रॉफिट्स को ही हम अलग अलग जब नामों से बांटते हैं, जब प्रॉफिट्स को हम अलग अलग नामों से बांटते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएशंस, एप्रोप्रिएशन बांट रहे हैं, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट को हम क्या करें, नेट प्रॉफिट और जो भी इनकम है हमारी उसको हम बांटेंगे। तो बांटेंगे ये नहीं कि हमने डायरेक्ट बांट दिया रेशो में, पहले हम क्या देंगे, एप्रोप्रिएशन देंगे। देखो सोल प्रोप्रेटरशिप में एक ही मालिक था तो हम सारा पैसा उसी को दे देते थे, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हो या क्या सैलरी हो, कमीशन हो, कोई भी हो, हम डायरेक्ट दे देते थे। क्यों दे देते, एक ही तो मालिक है, सब तो उसी का है। बट अब क्या है, 3-4 मालिक है, 50 मालिक है, तो किसको किस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ एक कंसेप्ट आया एप्रोप्रिएशन का,
तो प्रॉफिट्स को जब हम अलग अलग नामों से बांटते हैं, हमने पहले किस नाम से बांटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस को मिलेगा, जितने पार्टनर्स होंगे, ए बी मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों मिलेगा, वो पार्टनरशिप डीड में डिसाइड होता है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, अगर आपको ये नहीं पता तो मैं लिंक क्या करूँगा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लेना। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग एक डॉक्यूमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होता है, रिटन एग्रीमेंट होता है, जिसमें हम क्या सारे एग्रीमेंट्स करते हैं, पार्टनर्स के बीच में समझौता होता है, ठीक है। तो वाली वीडियो आप देख लेना अगर आपको नहीं पता, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा जाता है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। और किस नाम से दिया जाता है, प्रॉफिट्स को और कैसे बांटते हैं, आप दे सकते हो सैलरी, मानो ए को सैलरी मिल रही है, ठीक है, तो सैलरी के नाम से, यानी प्रॉफिट्स को हम अलग अलग नामों से बांट रहे हैं, ये प्रॉफिट्स का पार्ट ही तो है। अप्रोप्रिएशन क्या होता है, अप्रोप्रिएशन इज जस्ट पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। ए को सैलरी दे दी, अच्छा बी को कमीशन देना था, ये सारी चीजें हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में लिखा हो सकता है, ठीक है, हमें ऐसा हो सकता है कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया हो, तो बी की क्या देना, बी को क्या देना है, कमीशन देना है, ठीक है। अच्छा, कुछ पैसा हमें बचा के चलना भी है। आपने 11th क्लास में डेप्रिसिएशन के बाद एक चैप्टर पढ़ा था, प्रोविजन एंड रिजर्व्स, उसमें रिजर्व्स क्या होते थे, रिजर्व एक गुल्लक होती थी, बहुत टाइप के रिजर्व पड़े थे, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, हिडन रिजर्व, ठीक है। तो उसमें जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व क्या होता था, जनरल रिजर्व वो एक गुल्लक होती थी जो फ्यूचर में सर्टेन या अनसर्टेन, नोन या अननोन कंटिजेंसी के लिए क्या होता था, मीट करने के लिए हम बनाते थे, एक गुल्लक बनाते थे, एक तरह का सेविंग्स, जो हम नॉर्मली घर में भी एक गुल्लक बनाते हैं, ठीक है, कुछ पैसा डाल लेते थे, तो जनरल रिजर्व वही होता है। तो हमने प्रॉफिट्स कमाया, हम उस प्रॉफिट्स में से क्या करें, कुछ पैसा बचा भी ले, ठीक है, फ्यूचर में नोन या अननोन कंटिजेंसी अगर कुछ हो जाती है तो उसके मीट करने के लिए क्या करें, हम पैसा कुछ बचा लें। तो पैसा बचाएंगे तो क्या करेंगे, जनरल रिजर्व बनाएंगे, तो इसमें से कुछ पैसा हम बचा भी लेते हैं। तो ये प्रॉफिट का पार्टी तो है, प्रॉफिट को हम अलग अलग नामों से बांट रहे हैं, तो टू जनरल रिजर्व, ठीक है, तो अलग अलग नामों से बांट दिया। मानो 1,00,000 का प्रॉफिट है, 1,00,000 हाथ में है बांटने के लिए, तो मानो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 5,000 ले लेते हैं, तो टोटल 10,000 हो गया, ठीक है। एक को सैलरी मानो 8,000 हो गया, एक को सैलरी कितना ले लेते हैं, 8,000, ठीक है। बी की कमीशन ले लेते हैं 10,000, कितना हो गया, 8, 20। अच्छा, जनरल रिजर्व हमने कुछ पैसा बचा भी लिया, कितना पैसा बचा लिया, 10,000 बचा लिया। तो देखो प्रॉफिट्स में से कितना पैसा हमने बांट दिया, कितना अलग कर दिया, 10,000, 8,000, 18, 2, 20, 20, 1, 20, 10, 30, तो 30,000 हमने बांट दिया, जो भी हमने अलग कर दिया। अब अभी भी हाथ में कितना पैसा बचा हुआ है, 30,000 रुपये। तो ये 30,000 को हम क्या बोलेंगे, इस 30,000 को हम क्या बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, बताया था, डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाता है। पार्टनर्स के बीच में नेट प्रॉफिट नहीं बांटा जाता, पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट बांटा जाता है वो कौन सा प्रॉफिट होता है, डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, डिविजिबल। अबे किस तरीके से बांटा जाएगा, देखो पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो पार्टनरशिप डीड में क्या होगा, पीएसआर भी डिसाइड होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट्स को कैसे शेयर किया जाएगा, ठीक है। अगर डीड नहीं बना रखी तो किसकी बात माननी पड़ेगी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के लिए, 1932 के प्रोविजन अप्लाई होंगे, उसमें प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट्स को कैसे बांटा जाएगा, इक्वली, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे रेशो क्या है, 1:1 है, तो 30,000 को हमें बांटना है किनके बीच में, ए और बी के बीच में, तो कैसे बटेगा, यहाँ पे लिखेंगे हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर जो होगा कहाँ कहाँ पे, ए की कैपिटल में और बी की कैपिटल में, ठीक है। कितना कितना बटेगा, 1:1 है, जो भी रेशो होगा रेशो में बांट देना आप, 30,000 है, 1:1 है, तो कैसे बटेगा, ए का कैसे निकलेगा, ए शेयर, ये आपको वर्किंग नोट में करना, ए का शेयर बराबर
30,000 1:1 है, 1:1 का मतलब क्या होता है, 1:1 का मतलब क्या होता है, अगर प्रॉफिट दो का होगा, अगर प्रॉफिट दो का होगा तो ए को कितना मिलेगा, आधा नहीं, अगर इसका मतलब क्या है, अगर प्रॉफिट दो का होगा तो एक को कितना मिलेगा, एक रुपये, बी को कितना मिलेगा, एक रुपये, ठीक है, 50-50 शेयर होगा। तो एक का शेयर कैसे निकालेंगे, 30,000 इंटू 1/2, ये कितना आ गया, 15,000। अब बी का कैसे निकालेंगे, 30,000 इंटू 1/2 कितना हो गया, 15,000, ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे, 15-15 दे देंगे, तो ये वाला प्रॉफिट बटेगा। अब ये वाला जो प्रॉफिट बटा, अब ये क्या होगा, बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट में क्या, ये बैलेंस शीट मैंने बना दी, ठीक है, ये किसकी बैलेंस शीट है, पार्टनरशिप बिजनेस की। तो यहाँ पे क्या होगा, ए की कैपिटल दिखाई होगी, ए की कैपिटल लिखी होगी, ठीक है, और बी की कैपिटल भी होगी, मानो ए की कैपिटल पहले से कुछ भी रखी होगी, इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना, 15,000, और यहाँ ऐड कर देंगे क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना, 15,000, ठीक है, फिर प्लस करके हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं, अगर बताओ तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक्सटेंशन है, किसका एक्सटेंशन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये क्यों बनाया जाता है, प्रॉफिट्स को कैसे बांटा जाता है, इसके लिए बनाया जाता है, ठीक है। ये शो करता है हमें डिस्ट्रीब्यूशन, किसका डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कैसे बनाया जाता है मैंने बता दिया, क्रेडिट साइड में क्या करते हैं, सबसे पहले क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट लिखते हैं, नेट प्रॉफिट, फिर साथ में क्या लिखते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और उसमें से माइनस क्या करते हैं, सारे के सारे एप्रोप्रिएशन इस साइड। देखो बाय स्टेटमेंट अगर निकालते हो डिविजिबल प्रॉफिट को तो ऐसे ही तो करते हो, कैसे निकालते हो, सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी इसमें बताया था मैंने, ठीक है, क्या बनाया, क्या बताया था कि सबसे पहले नेट प्रॉफिट लोगे, ठीक है, नेट प्रॉफिट कौन सा, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। अगर ये वाला प्रॉफिट गिवन है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आपको क्या करना पड़ता था, निकालना पड़ता था, यहाँ भी तो निकालना पड़ा है आपको, ठीक है, दिया था तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया तो आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो नेट प्रॉफिट ले लिया, उसमें प्लस करते थे, क्या प्लस करते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्यों प्लस करते थे, क्योंकि ये इनकम थी, तो यहाँ भी तो हम प्लस ही कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और प्रॉफिट्स को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद माइनस क्या करते थे, एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट्स होगा तो ही देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो सारी चीज़ें हमने इसमें, 1,00,000 हो गया, इस 1,00,000 में से हमने क्या किया, एप्रोप्रिएशन दिया, प्रॉफिट को हमने अलग अलग नामों से क्या कर दिया, बांट दिया, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की सैलरी, बी का कमीशन, पैसा, कुछ पैसा बचा भी लिया, फिर हाथ में जो बचा उस पैसे को हमने क्या बोला, डिविजिबल प्रॉफिट, और इस डिविजिबल प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन देयर PSR, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं, क्या नीड है, और पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। वीडियो लंबी हो गई है बट कॉन्सेप्चुअली है, पूरा A to Z है, शुरू से लेके एंड तक, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद क्या बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, ठीक है। जैसे प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट बनती है, यहाँ भी वैसी बनती है, थोड़ी बहुत चेंजेस है, क्या चेंजेस है, वहाँ पे एक कैपिटल दिखती थी, यहाँ पे कि जितने पार्टनर्स हैं उतने कैपिटल दिखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी इससे थोड़ा डिफरेंट लगा, मतलब A to Z सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए आपके, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी कंसेप्ट से लेके, चाहे वो 11th में हो या कोई भी 12th में हो, अभी तक को कोई भी कंसेप्ट अकाउंट से अगर आपको कुछ पूछना है, किसी में डाउट है, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।